हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। जो लोग बहुत पहले प्री रजिस्टर किए थे उन लोगों के लिए ये गेम आ चुका है, जो अभी अनरिलीज्ड है, सब लोगों को प्ले स्टोर पर नहीं दिखाएगा, जिसमें से मैं एक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये गेम, जो है एक्टिविजन प्रेजेंट किया है ये गेम को, और टेंसेंट गेम्स भी बना रहा है ये गेम। कुछ देर में स्टार्ट होता है ये गेम, अभी लिटरली बीटा वर्जन पे है, जो इंडिया में रिलीज़ हो चुका है, कुछ दिनों में सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक वो एमुलेटर्स के लिए भी बना देंगे, लोग एमुलेटर पे भी खेल पाएंगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये पहली बार गेम खुल रहा है, तो अनपैकिंग गेम रिसोर्सेज होने लगेगा, आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, फिर गेम इनिशलाइज होगा और आप खेल सकते हैं। ये गेम अभी बैटल रॉयल में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 5v5 के मोड में अवेलेबल है, और नॉर्मल गेमिंग सेशन भी आप कर सकते हैं। कुछ दिन में बैटल रॉयल भी आ जाएगा जब ये पूरा प्रॉपर रिलीज़ हो जाएगा सबके लिए, और सब स्कोप्स, ग्रेनेड्स, बाकी जितने भी गन्स हैं, M416 जो सबको यूज़ करते हैं पबजी मोबाइल में, वो सब इस पर है। इस पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देखिए स्क्रीन भी मूव कर सकते हैं, जब आप स्क्रीन पर टैप करेंगे तो ये स्क्रीन मूव हो सकता है, ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। तो चलिए फिर, कुछ लोड होने वाला है गेम, ये देखिए लोड हो चुका है, यहाँ पर कन्फर्म किया हमने, एग्री करना है आगे जाके। फिर आप, मैं अभी सिर्फ गेस्ट अकाउंट से खेलूँगा, अभी मैं फेसबुक से लॉगिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ नॉर्मल। फेसबुक से लॉगिन करूँगा कुछ आगे में, जब ये गेम मेरे पास प्रॉपरली आ जाएगा। मैं अभी बीटा वर्जन पे खेल रहा हूँ, अपना नाम एज़ यूजुअल पसरीचा वाईटी। इस गेम में भी गेस्ट अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल कैप्स में डाला था, वैसे वो मेरा यूज़र नेम नहीं है, यूज़र नेम मैं अपना फिर से डालूँगा, आपको दिखा दूँगा। अभी लोड हो रहा है, लोड होने लगेगा, ये रहा इसका मेन लॉबी। अभी आपको ट्रेनिंग मोड में लेके जाएगा, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सब अलग अलग गन्स हैं, बहुत सारे गन्स हैं इसमें, पर अभी आपको स्टार्टिंग में सब गन्स नहीं मिलेंगे, कुछ दो गन्स जैसे एक स्नाइपर और M416 यूज़ करने मिलेगा। ये रहा घोस्ट वैली का लॉबी, बूट कैंप सोल्जर, यहाँ से ये मूवमेंट है, बेसिक कंट्रोल्स, राइट साइड से नॉर्मल कंट्रोल्स है इसमें, आपको गन की तरफ टारगेट मूव करना है, यहाँ से गन पिकअप करता है, टैप करके गन पिकअप करना होता है आपको, जब आप टैप करेंगे तो ये गन के पिकअप कर लेगा। और बेस्ट बात क्या है कि इसमें ऑटो शूट है, दो टाइप का शूटिंग मैनुअल्स है, ऑटो शूट अगर आप कर्सर एनिमी के ऊपर रखते हो तो वो ऑटोमेटिक शूट हो सकता है, ये रहा एनिमी आया वो ऑटो शूट करता है, और दूसरा है एक मैनुअल शूटिंग मोड जो हम लोग यूज करते हैं, मींस टैप एंड शूट, वो मोड भी आप कर सकते हैं, तो दोनों मोड आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा सिंपल एमिंग फायर ट्यूटोरियल, अब आप स्कोप करके अगर एनिमी के ऊपर रखेंगे तो स्कोप करके मार पाएंगे। और दूसरा ट्यूटोरियल आ रहा है भाई लो, इसमें ये है कि अगर आप अपना फायरिंग मोड चेंज कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में जाइए, आपको प्रॉम्प्ट करेगा एडवांस मोड में, आप अपना ADS और सब कुछ सेट कर सकते हैं, सब मशीन गन, और सेटिंग्स के बाद आप वापस टैप टू फायर कर सकते हैं, मीन्स अगर आप जब टैप करेंगे तभी होल्ड करेंगे तभी फायर होगा, मीन्स अभी ये बंदे आ रहे, देखिए मैं स्कोप इन करके रख रहा हूँ, जब तक मैं टैप कर रहा हूँ तभी फायर हो रहा है। ये है आपका मेन प्रैक्टिस लॉबी, जो आपको हर बंदा जब भी गेम खोलेगा तब मिलेगा। तो आप सेट कर सकते हैं या तो सिंपल फायरिंग मोड जिसमें ऑटो फायर होगा, या तो एडवांस फायरिंग मोड जिसमें आप टैप करेंगे तब। ये रहा दूसरा, स्नाइपर मिलता है, स्नाइपर है बहुत मस्त है यार इसका स्नाइपर, ये कॉल ऑफ ड्यूटी जो लोग PC वर्जन खेले हैं उन लोगों को पता चलेगा क्या मस्त चीज़ है ये स्नाइपर बहुत मस्त है। जैसे स्कोप इन करिए, एडवांस मोड है तो ऑटो स्कोप कर नहीं सकते आप, शूट करना पड़ेगा, स्कोप इन करना पड़ेगा। ये रहा टारगेट गया, ये स्नाइपर था इसका, यहाँ से मूव करिए। ये था इसका गेम का स्टार्टिंग ट्यूटोरियल। अभी सबसे बेस्ट बात क्या है, न्यूक्स, आप कंप्यूटर से न्यूक्स गिरा सकते हैं, अगर डबल टैप करेंगे तो टॉयज से बूस्ट होगा, पूरा एरिया सब बंदा एक साथ मर सकता है, सब बंदे आप एक साथ मार सकते हैं उसके टीम के। तो ये था विक्ट्री के नाम पे एक ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है, हम लोग मेन गेम में जाएंगे। अभी जो मेन गेम आपको दो अभी 5v5 खेलने को मिलेगा, और बहुत सारे चीज़ आगे आप अनलॉक कर पाएंगे, अभी अनलॉक नहीं होगा क्योंकि जैसे स्कोप इन, रेड डॉट, ग्रेनेड्स, ये सब आगे फ्यूचर में अनलॉक्स होंगे, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, मीन्स आप लेवल अप करते जाओगे अनलॉक हो जाएगा। ये रहा M416, जो 16 नहीं सिर्फ M4 है इसमें, पर हम लोग M416 के नाम से कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं। तो अभी हम लोग प्ले करेंगे, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लोड आउट चेक कर सकते हैं आप अपना, जिसमें आप M4 सेलेक्ट कर लीजिए, मेन इन्वेंट्री में M4 सेट कर लीजिए, ऑप्टिक अटैचमेंट सब सेट कर सकते हैं आप। ये बहुत सारे मोड्स हैं, अभी बहुत सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं आप पर 5v5 बैटल रॉयल नहीं।
तो लोड आउट में हम लोग वापस मल्टीप्लेयर में जाएंगे। ये रहा बैटल रॉयल, और जॉम्बीज मोड भी आई थिंक इसमें कुछ आने वाला है। मैच स्टार्ट करेंगे, पर ये है मल्टीप्लेयर मोड जिसमें 5v5 खेला जाएगा रैंडम लोगों के साथ। अभी आई थिंक फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलना अवेलेबल नहीं है क्योंकि सबको नहीं मिला ये गेम। तो ये रहा 5v5 भैया, लेफ्ट साइड की टीम आपकी है, मेरी है, और राइट साइड की टीम एनिमीज की है, जिसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें अभी जीतना मजाक ही है क्योंकि ज़्यादातर लोग बॉट्स हैं, पर मैं आपको सिर्फ गेम प्ले दिखाने के लिए गेम खेल रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं प्रॉपर खेलूँगा। ये अपनी टीम के बंदे, ये अलग अलग अभी मैप है, मैप अलग नहीं है, इसमें एक ही मैप है, तो आप स्कोपिंग करके शूट कर सकते हैं। ये क्योंकि मैं एडवांस स्कोपिंग यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटो शूट नहीं है, नॉर्मल गेम प्ले है, आप देख सकते हैं ये गेम प्ले। मुझे इसका लोड आउट और UI बहुत पसंद आया है, मीन्स लिटरली आप मूवमेंट अच्छा है, पर अगर आपका इसमें है कि स्ट्रैटेजी उतना कम नहीं है, 1v1 का फाइट है, स्ट्रैटेजी का भी लगा सकते हैं आप जब पबजी ऐसा थोड़ा क्राउच करके छुप के खेल सके, पर इसमें एक है जिसका एम बेटर है वो इस गेम का गुरु है। तो अभी वो बंदे जो हैं सब नॉर्मल बॉट्स जैसे हैं, भले बंदे क्योंकि नॉर्मल वाले बंदे हैं वो अच्छा इतना नहीं खेल पाएंगे। ये था मेरे पे न्यूक किया गया था, ये बंदे ने मेरे पे न्यूक कर दिया था। नेट भी यूज़ कर सकते हैं आप, अभी नेट अनलॉक नहीं आपके लिए, आगे इस गेम के बाद आपको नेट अनलॉक हो जाएगा जब आप नेट यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अभी अब ये ट्यूटोरियल टाइप का है गेम, अभी स्टार्टिंग बीटा वर्जन पे चल रहा है तो सब कुछ नहीं मिल जाएगा आपको। रेड डॉट भी आप नहीं लगा सकते गन पे क्योंकि रेड डॉट अभी अवेलेबल नहीं है। इस गेम के बाद आपको रेड डॉट मिल जाएगा जो स्टोर पे आ जाएगा, मीन्स आप क्लिक करके इक्विप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आपको किल लॉक दिखाएगा, लो एमो नहीं था मेरे पे, एमो खत्म हो गया तो मेरे को स्नाइप लिटरली स्नाइप करने का स्नाइपर में था, तो मैं नाइफ चैलेंज लेके नाइफ मार रहा था सबको। ये एक बंदा नाइफ हुआ, ज़्यादा बंदे उतने बंदे हार्ड नहीं है ना अभी इस पे, आप पे हेल्थ भी रहेगी, ग्राफिक्स क्वालिटी मीडियम चलता है मेरे स्क्रीन पे, तो अभी मैं सबको नाइफ करूँगा। लिटरली दो तीन बंदे और मारने, तो ये राउंड चलते रहता है। मीन्स आपको लिटरली अभी ऐसा नहीं है कि बैटल रॉयल है कि आप लड़ते रहे वो लास्ट मैन स्टैंडिंग में, नहीं, पॉइंट्स के बेसिस पे विंस हो गए, जो ज़्यादा एलिमिनेशन करेगा वो जीत जाएगा। जैसे अगर नाइफ एलिमिनेशन उसके अब ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे ये रहा गेम जीत चुके हैं हम लोग, वो लोग गोरिल्ला स्क्वाड 5 किए, स्पेशल फोर्सेस 20 किए। तो ये था नॉर्मल विक्ट्री। देखिए अब बहुत सारे चीज़ अनलॉक होंगे इस गेम में, तो आपको मैं ये दिखाता हूँ। जैसे अभी ग्रेनेड अनलॉक होगा मेरे लिए, और आपको फिर ये भी मिल जाएगा आपका रेड डॉट स्कोप्स, बहुत सारे चीज़ हैं इन्वेंट्री में। आप गेम खेलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसका गेम ट्यून बहुत मस्त है। ये रहा अपना स्क्वाड, इमोट भी कर सकते हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं लोड आउट में जाके अपना इमोट्स। तो अभी तो स्टार्टिंग है तो उतना इमोट्स मिलेगा नहीं आपको। कॉल ऑफ ड्यूटी PC खेलने वाले लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ये था नॉर्मल पहला विन, लेवल अप करेंगे आप लोग, धीरे धीरे लेवल अप होते जाएगा। अभी ग्रेनेड मिला मेरे को पहला लेवल अप के बाद, यह वन लॉक्ड न्यू आइटम में ग्रेनेड है मेरे लिए जो मैं इक्विप कर सकता हूँ, अपना इन्वेंट्री में रख सकता हूँ। ये आपका किल्स का पॉइंट जैसे पबजी मोबाइल में है, आपको बहुत सारा पॉइंट है, मिशन करना पड़ता है, वही सब है। लॉबी में जाके अभी आपको दिखाएगा कि लेवल 2 आ चुका है तो आप न्यू रिवॉर्ड्स इक्विप कर सकते हैं, अपना लोड आउट जाके सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें मेरे को ग्रेनेड मिला, मैं ग्रेनेड इक्विप कर लिया, अनलॉक हो चुका है ग्रेनेड आपका, अब अपना लोड आउट में जाके आप ग्रेनेड डाल सकते हो। सो यू कैन जस्ट प्ले फर्दर एंड देर आर मेनी थिंग्स इन द गेम कमिंग अप लाइक द लोड आउट, यू कैन हैव अ रेड डॉट इन योर गन। सो सी आई गॉट माई ग्रेनेड अप, I'll equip the grenade. As I have got to level 2, I have got my optics also too. I go to optics, like I have got a red dot, means air sight, which I can equip. You can see the same red dot in Apex Legends 2. I love this red dot, bro. It's better than the PUBG Mobile red dot. So see, like the same layout you can do. You can see that there is no battle royale. Battle royale abhi nahi available hai. Sirf multiplayer main tap kar raha hu kyunki khel nahi sakta hu. Multiplayer khel sakta hu bas. थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैं बस ट्यूटोरियल आज मेरे को अनलॉक किया गया, आज ही मिला मेरे को ये अनरिलीज्ड वर्जन, आपको दिखा सकता हूँ। मैं सबके प्ले स्टोर पर प्री रजिस्टर लिखा हुआ है बहुत लोगों को, पर बहुत लोगों को अवेलेबल हो चुका है ये। थैंक यू वेरी मच, आगे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई लोग, और ठोक दो एकदम बेल आइकन।